वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल मींस, डाय मींस टू, जिसमें टू पोल्स हो। अब पोल्स बनेंगे कैसे, इसको भी समझते हैं वाटर मॉलिक्यूल से। H2O, दिस इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज द पॉजिटिव साइड एंड दिस इज द नेगेटिव साइड, मींस दिस इज द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। दीज आर सेपरेट बाय सम स्मॉल एंड फाइनाइट डिस्टेंस, मींस नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वो सेपरेट है किससे, एक स्मॉल डिस्टेंस से। तो क्या बोलते हैं इसको, हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनाए इसका, when two equal and opposite, equal and opposite charges are separated by small and finite distance called electric dipole, called electric dipole. Dipole means two pole, these are equal and opposite charge, one is negative q, other is positive q, और इनके बीच का जो distance है ये हमने लिया है 2a। और अभी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं एक टर्म है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसको हम रिमेंबर करेंगे ऐसे, पी क्यू इंटू टू ए। अभी क्यों क्या है, किसी भी एक चार्ज का हमने क्या ले रखा है, मैग्नेट्यूड ले रखा है। और टू ए क्या है, अभी यहां पे टू ए हमने क्या लिया था, डायपोल लेंथ लिया है हमने। सो डेफिनेशन क्या बनेगा इसका, इलेक्ट्रिक डायपोल मूमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड दिस इज टू ए इज, दिस इज डायपोल लेंथ। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन ऑफ पी, डायरेक्शन ऑफ पी मीन्स इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये कहां से कहां होगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, जैसा कि हमने यहां दिखा रखा है, दिस इज द पॉजिटिव साइड एंड दिस इज द नेगेटिव साइड, दिस इज द नेगेटिव साइड एंड दिस इज द पॉजिटिव साइड। सो डायरेक्शन ऑफ पी इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और इसी में हम एक टर्म डिस्कस करने वाले हैं, आइडियल डायपोल। या फिर इसको हम बोले पॉइंट डायपोल, पॉइंट डायपोल। पॉइंट डायपोल क्या है, अभी हम पढ़ रहे थे कि P किसके इक्वल है, Q इंटू टू ए है।
थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं ऐसा कि लेट अस सपोज ये वैल्यू 100 है, ओके चार्ज कितना है, हमने अज्यूम किया 10 कूलम, वैसे बहुत ज्यादा होता है लेकिन थोड़ा सा इसको समझने के लिए हमने इसको अज्यूम कर लिया है, और डायपोल लेंथ हमने कितना कंसिडर कर लिया 10 मीटर। अभी ये टर्म तो कॉन्स्टेंट रहे, ये चार्ज लार्ज होता जाए, ये कंटिन्यू क्या होता जाए इंक्रीज, और ये कंटिन्यू क्या होता जाए डिक्रीज, लेकिन ये टर्म हमको क्या मिले कॉन्स्टेंट मिले। अभी ये कितना हो गया है 5, अभी हमने क्या किया ये सपोज 50 हो गया, ये कितना हो गया 2। चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है और डिस्टेंस क्या होता जा रहा है डिक्रीज, छोटा होता जा रहा है, मींस कैसा होता जा रहा है पॉइंट वेरी स्मॉल होता जा रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको हम आइडियल डाइपोल। पी क्या होना चाहिए कॉन्स्टेंट, क्यू क्या होना चाहिए लार्ज एंड लार्जर, टू ई क्या होना चाहिए स्मॉल एंड स्मॉलर। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज सेड टू बी आइडियल इफ क्यू बिकम्स लार्ज एंड लार्जर एंड टू ए क्या होता रहे स्मॉल एंड स्मॉलर, बट पी दिस वुड बी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये क्या होना चाहिए कॉन्स्टेंट। जैसे अभी पी किसके इक्वल था क्यू इंटू टू ए, ये टर्म इंक्रीज होता रहे और ये टर्म क्या होता रहे डिक्रीज होता रहे, लेकिन P हमको क्या मिले कॉन्स्टेंट मिले, ओके। अब आप पूछ सकते हैं कि कितना स्मॉल हो सकता है, तो जो आइडियल डायपोल है, आइडियल डायपोल नो फिक्स साइज, कोई इसका साइज फिक्स नहीं है। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, डाउट्स जो भी आपके हैं उनको आप कमेंट्स कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।